ना जब उनसे बोला अच्छा ठीक है ये तो बच्चों ने नाम रखा, ओरिजिनल नाम बताइए, खेलने के बम्बैया मिठाई कहते हैं इसे। अच्छा। और ये मैंने कहा बम्बैया मिठाई कहते हैं इसे, मतलब मैं इतना एंजॉय करती थी, इतना खाती थी, मेरा इतना फेवरेट था, और ये अब बिल्कुल नापेद हो चुका है। वो खुद वीडियो में भी कह रहे थे कि मैं तो आपको 20-25 दिन से ढूंढ रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की हमारी वीडियो है मियो 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 की एक वीडियो है, मुंबई फूड ब्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है मुंबई फूड ट्रिप विद द बॉम्बे शेफ वरुण इनामदार। ओके, कैट क्राइट। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे है? और मी मुंबईत आहे, माझा नाव मायो आहे, मी इथे फिरायला आले आहे। तो आज मैं बहुत विशेष इंसान से मिलने जा रही हूँ, वो है बॉम्बे शेफ वरुण इनामदार जी। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि यहाँ मायो आई है हिंदुस्तान में, बम्बई में, मुंबई में, और हम मायो को घुमा रहे हैं, मस्ती कर रहे, खा रहे, पी रहे, सब घूम रहे और मजे कर रहे। तो चलो चलते हैं। मुंबई ट्रिप। गाड़ी में बैठते ही वरुण जी ने मुझे वड़ा पाव खिलाया। शायद मैं वड़ा पाव पहली बार खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट है। This is an M, which generally stands for Mumbai. Ah. So see, the wall in front of you. मुझे मुंबई में ये बहुत ही अच्छा लगा कि रास्ते के दीवार पर बहुत ही ड्रॉइंग्स की गए हैं, तो सुंदर है। चलते चलते बहुत ही पॉजिटिव सा मूड आता है ना, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ना ग्वावा जूस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ही ग्वावा खाना पहली बार है, वैसे जापान में ये नहीं मिलता ना, तो मैं ट्राई करती हूँ। गुड, बहुत अच्छा, सो क्रंची। ओके, भी आपके पास भेलपुरी? भेलपुरी है, ठीक है। सो भेलपुरी बनाना, लेकिन मीठा रखना। अच्छा, भेलपुरी भी नहीं है। दिस वन? या गो। आर यू श्योर? अरे बिंदास गो। ओके, लो जब टेस्ट कर लो। गो टेस्ट। ओके, भेलपुरी, पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैं खा के देखते हैं। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्वीट, और प्याज भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है। भेल, B-H-E-L। भेल, भेल, भेलपुरी अभी थोड़ा सा खाया, लेकिन और ज्यादा आ गया। मुझे लगा पानी पूरी जैसे एक एक आ जाए, लेकिन ऐसा ही, बहुत अच्छा। खाना आसान है। I'm so, वैसे मेरे सामने तीन दोस्त हैं, शर्मिंदा कर रही हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। की मास बहुत अच्छा बोला गया, इसमें कोई मिर्ची नहीं है, तो मेरे लिए परफेक्ट। थोड़ा सा दिखाइए। इडली और मेदू वाला, मेदू वाला, मेदू वाला वड़ा। ओके, लाइक अ डोनट। ओके ओके, नारियल चटनी के साथ।
लाइक इट? यस 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 यस। इस स्वादिष्ट खाने को कैसी प्रशंसा करना है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा हिंदी वोकैबुलरी इतना नहीं है। एनीवे लगमोस ये वड़ा पड़ा like it? हाँ जी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वड़ा आई हैड बिफोर। सेव पुली, मुझे लगता है ये भी मैं पहली बार खा रही हूँ, तो चलो। इसमें वो जो कोरिएंडर है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब टेस्ट के साथ बहुत जा रहा है, तो अभी थोड़ा ना पेट भरता जा रहा है, लेकिन ये कोरिएंडर की वजह से मुझे लगता है और भी मैं खाऊंगी, खा सकूंगी। कीमा पाओ है और वरुण जी ने कहा है कि ये रेस्टोरेंट कीमा पाओ के लिए बहुत फेमस है, मशहूर है, इसलिए ट्राई करती हूँ। तो एक पाओ लेकर ऐसे या चम्मच से ऐसे ही ठीक है। वेरी गुड, बढ़िया। और ये ईरानी चाय भी बहुत मशहूर है, मैं ट्राई करती हूँ। चाय पत्ते हैं, चाय पाउडर का स्वाद बहुत तेज है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत थोड़ा सा कड़वापन, जो अच्छा वाला कड़वापन आता है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कभी कभी इंडियन चाय जापानीज लोगों के लिए ज़्यादा ही मीठा होता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा कड़वापन थोड़ा सा मीठा बहुत अच्छा लग रहा है, कड़क चाय। अब हम वेजी सैंडविच खाने जा रहे हैं, आज तो पूरा दिन मैं खाती रहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई टोस्टी इन मुंबई मुंबई टेक मास वेरी नाइस वेज सैंडविच है, लेकिन बहुत ही रिच और टेस्टी। मैं नॉन वेज भी खाती हूँ, लेकिन भारत में रहूँगी तो ना वेजिटेरियन बन सकूँगी आसानी से, क्योंकि जापान में शाकाहारी खाना तो एक तो ज़्यादा मिलता नहीं है, अगर मिलता तो फिर भी इतना अच्छा नहीं है उतना इंडियन वेजिटेरियन खाना, तो काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू। अंत में कॉम्प्लीमेंटरी आलू स्लाइस। बताया गया था मुंबई में ऐसा ना कॉम्प्लीमेंटरी चीज बाद में अंत में मंगवाना चाहिए होता है, तो मैं खाती हूँ। गुड, वेरी सिंपल, वेरी नाइस। छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ये तो जापानीज लोगों के बीच में भी बहुत मशहूर है, ट्रेवल गाइड बुक में हमेशा आता है ना, इसलिए इस रास्ते के दोनों किनारे पर खड़ी हुई वो जो इमारतें देखकर मुझे लगता है मैं यूरोप में आ गई हूँ। You can see a fire burning? Fire burn. Oh yeah. Yeah. So that fire has been burning since 1962, since the freedom struggle. वैसे वरुण जी सब कुछ जानते हैं और उनको सब याद होती है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। No, different, so this one is a djembe if I'm not wrong. Djembe. And this one is a dolki. Okay. Nice. No play. It's open. No sound. Okay. Right. Different. Play. Oh, you are better than me. No, practice. One day, two day, practice. मशहूर ईरानियन रसबेरी सोडा ट्राई करती हूँ।
मस्त है, मस्त है। कड़क कड़क है। Goes with the gravy, so you can add one spoon. In Iranian style. I think this is my first time to eat this. Take a look. Very nice. ऐसा पहली बार खा रही हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो गई। सही हिंदी है पता नहीं। Very nice. तो मुंबई यात्रा एक दिन बहुत अच्छा लगा, काफी मजा आया और बहुत ज्यादा खाना खाया। दरअसल पेट फटने जा रहा था, इतना ही मैंने खाना खाया और काफी मजा आया। और मैं वरुण इनामदार जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे घुमाने के लिए। सच्ची बात बताऊं तो मैं शुरू में थोड़ा शर्मा रही थी, क्योंकि वरुण जी तो बहुत बड़े इंसान है, सेलिब्रिटी है, और बार बार मेरे वीडियो के लिए बुलाना भी थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। और चिंता कर रही थी कि कोई मैं बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन फिर वीडियो के अंदर में ना बुलाना भी शायद बदतमीज हो सकता है, तो मैं बहुत ही मतलब चिंता कर रही थी। लेकिन वरुण जी बहुत ही अच्छे थे, दयाल थे, तो बहुत अच्छे से मुझे घुमाया और वीडियो शूटिंग की मदद भी की, तो मैं उनके आभारी हूँ। और उसके अगले दिन गीत करीद उनके चैनल पे कोलैबोरेशन भी किया है, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जरूर देखिए। ठीक है, हमने साथ में जापानी खाना याकिसोबा बनाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और गीत करीद चैनल उनके वरुण जी के चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय। जी जनाब, ये हमेशा ही खुश दिखती हैं और ऊपर वाला इन्हें हमेशा ही खुश रखे बिल्कुल। और ऐसे ही इंसान को ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो है नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, या परेशानियों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, या सोचते हैं उनके बारे में। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, वो आप किससे सीखें? मायों से। आपको नाम भी नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं उनके बारे में, नाम तो कम से कम रट्टा मार लेते थोड़ा सा। तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी के रंग जो हैं, ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, ज़िंदगी की जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, उन्हें एंजॉय करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में एंजॉय कैसे करते हैं। अच्छा, मुझे ये था मुंबई। अच्छा, मुझे आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट लगा। मेरे व्यूज़ ये हैं व्लॉग देखने के बाद कि मुझे आज कुछ डिफरेंट वाइब्स आई। वैसे तो ये बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी हैं, और मतलब जो भी व्लॉग होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, अपनी हरकतों से हम एंटरटेन कर लेते हैं। बट आज का व्लॉग थोड़ा सा हमने फूड देखा, थोड़ा सा हमने लोगों के साथ इनका देखा कि किस तरीके से मतलब शेफ जो थे वरुण, वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे उनके साथ, ये घूम रही हैं, फिर रही हैं, खा रही हैं। अच्छा देखा है हमने, ये एक आध चीज़ खा रही होती है पूरे व्लॉग में। आज हमने इनको नॉन स्टॉप खाते हुए देखा है, मतलब क्या कुछ नहीं खाया इन्होंने, और मैं हैरान थी कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी कहाँ से आ रही है। मतलब क्योंकि मैंने देखा है अक्सर एक व्लॉग में एक ही चीज़ को ट्राई कर रही होती है और बता रही होती है, दो चीज़ों को ट्राई कर रही होती है, हमारा इतफाक हुआ है ऐसे ही व्लॉग देखने का। तो आज मुझे इस वजह से ज़्यादा डिफरेंट लगा, और तरह तरह के खाने हमने देखे, रिफ़्रेशमेंट देखी। अच्छा, भेल पूरी और वड़ा पाव, इडली, ये ऐसी चीज़ें हैं इंडिया के, ऐसे फूड हैं जो शायद हर कंट्री में जाने माने जाते हैं, यानी हर कंट्री में मशहूर हैं कि इंडिया की ये फूड तो बहुत मशहूर हैं, अगर इंडिया जाना है तो ये तो लास्ट में ट्राई करना है। तो आज हमने देखा। अच्छा, भेलपूरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कैसी होती है, बहुत सारे लोगों को बनाते हुए देखा था, लेकिन मुझे असल में शक्ल क्या होती है, क्या बनकर निकलता है नहीं पता था। ये हमारा कुछ हमारे यहाँ झटपट होते हैं, वो ऐसे बिकते हैं, उसके अंदर यही मसाला जार डालते हैं और इसी तरीके से ऑयल डालकर और सरसों का तेल डालकर उसके अंदर हरी मिर्चें और प्याज और ये मुरमुरे जो है ये डालकर और बेचा करते हैं, तो उनका नाम झटपट होता है। यहाँ पे भेल पूरी है, थोड़ा सा ये अंतर है लेकिन चीज़ें सेम है। अच्छा, थोड़े दिनों पहले मुझे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ जिसे हम बचपन में खाया करते थे, एक मोर कहा जाता था उसको। अच्छा, वो उसको मोर कहते थे हम, और स्कूल के बाहर वो खड़े होते थे बड़ा सा एक लंबा सा एक डंडा लेकर उसके ऊपर मिठाई लिपटी होती थी। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम रबड़ की तरह होता था, मतलब खींचो तो खींचते जाओ उसको, यूँ बनाते थे उसको, फिर डिफरेंट शेप्स बनाते थे, ज़्यादातर मोर ही करके
दे देते थे जी हाँ, और वो एक सरकंडे का डंडा होता था उसके ऊपर लपेट के बच्चों को दे दिया करते थे। वो थोड़े दिनों से गायब हो गए। अच्छा हमारी स्कूल लाइफ में ही वो गायब हो गए थे, मतलब थोड़े दिनों देखा उसके बाद वो गायब हो गए, ऐसा लगा शायद वो नापैद ही हो गए। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदे को उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर निकाला जिनको वीडियो बनानी थी। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी बचपन की यादें ताज़ा करनी थी और मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैं इनको तकरीबन 15-20 दिन से ढूंढ रहा हूँ कि सिर्फ ये वाहिद बचे, शायद पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद बचे या उस बाकायदा वीडियो में आए उन्होंने बात की। उन्होंने बात बोली, अब मैं आपको बताऊँ, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली। तो जब उनसे बातचीत शुरू करी कि इसको क्या कहते हैं आप, यही शेप बना दो, तो उनका हाँ मोर बनाता हूँ, एक दो और बना देता हूँ बच्चे, तो बच्चे आके इसका नाम क्या लेते हैं आपसे, तो उन्होंने कहा बबलू मिठाई कहते हैं इसे। तो उनका बबलू मिठाई हम भी नहीं जानते थे, हम तो कहते थे मोर बना कर दे दो, वो बना देते थे, मतलब वो खड़ा होता तो उससे ले लेते थे, एक बना दो, दो बना दो, क्या बना दो, मोर बना दो, एक दो शेप और बनाते होंगे, लेकिन मोर ही फेमस था। तो ना जब उनसे बोला अच्छा ठीक है, ये तो बच्चों ने नाम रखा, ओरिजिनल नाम बताइए, खेलने के बम्बैया मिठाई कहते हैं इसे। अच्छा, अरे मैंने कहा बम्बैया मिठाई कहते हैं इसे, मतलब मैं इतना एंजॉय करती थी, इतना खाती थी, मेरा इतना फेवरेट था, और ये अब बिल्कुल नापैद हो चुका है। वो खुद वीडियो में भी कह रहे थे कि मैं तो आपको 20-25 दिन से ढूंढ रहा हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग खत्म हो गए, हाँ, हम बस मैं ही रहा हूँ, मतलब उन्होंने अपने इलाके की बात कर रहे थे शायद कि और कोई नहीं है, बस कराची में, कराची नहीं वो कोई और जगह पे थे। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात है, आपने सही बताया, मुझे भी मतलब है कि ये चीज़ याद है, लेकिन अब ये वाकई नहीं दिखती, नहीं दिखती ना अब ये नहीं दिखती। और एक चीज़ और होती थी मेरे, मतलब उस टाइम पे भी मेरे जहन में एक चीज़ आती थी कि ये हाथों से ना करते थे, मतलब मैं ये सोचती हूँ डंडे के ऊपर वो इतना सारा कैसे लगा के ले आते, वो घर से पकाते थे ना जब, तो जिस देग में पकता था, जिस भगोने में पकता होगा ना, चिपका देते थे, तो उसी भगोने को, डंडे को भगोने में डाल के ना यूं यूं लपेटते होंगे, ये आपकी साइंस है, और डंडा जो है ले आते हैं। चले अच्छा अच्छा, मजे की बहुत चिकना हो रहा होता है, हाँ ना, तो वो अच्छा वो फिर पूरा लपेटते हैं ना डंडे के ऊपर। अच्छा देखिए, अच्छा पुराने दौर की जो चीज़ें थी बच्चों की, आपने देखा एक हमारे यहाँ एक बहुत पहले टीन के डब्बे के अंदर कुल्फियाँ बेचने भी आते थे बहुत पहले, अब वो भी ख़त्म हो गए। टीन का डब्बा होता था और उसको लेकर तो अंदर बर्फ होती थी, बर्फ के अंदर बर्फ वाली कुल्फी होती थी, वो आइसक्रीम आइसक्रीम टाइप नहीं होती थी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो देखी, इंडिया की वीडियो देखी, दिल्ली में देखा है कि पता नहीं लखनऊ में देखा है, वहाँ पे ये कुल्फियाँ बिक रही। अच्छा हमारा अक्सर हम जो कराची वाले हैं ना, कराची का और ये मुंबई का कल्चर बहुत मिलता जुलता, अभी बहुत सारी ऐसी जगहें ऐसी बिल्डिंगें, एक बिल्डिंग तो सेम टू सेम मिलती जुलती लग रही थी, वाइट कलर की जो पिलर्स वाली बिल्डिंग थी ना, बहुत अच्छा। मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई बिल्डिंगें भी हैं, पुराने दौर की भी हैं, हाँ। कराची में इतनी नहीं है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुंबई में से 15% अगर निकाल दिया जाए तो कुछ जगह कराची जैसी हैं, कराची की कुछ जगह मुंबई जैसी हैं, 15% और मतलब कल्चर, खाना पीना। अच्छा अब जब हम मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखने लगे बेलपुरी, जब हम मूवीज़ में ज़्यादा देखने लगे वड़ा पाव, तो इतना फेमस कि कराची में स्पेशल लोगों ने ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी। अच्छा डोसा मैंने कभी नहीं बनते हुए देखा, यहाँ पर मारवाड़ डोसा वगैरह भी हो रहे हैं, काफ़ी फेमस हो रहे हैं। यहाँ मारवाड़ी लाइन में बेलपुरी मिलती है, है? मारवाड़ी लाइन है, वहाँ पर ओरिजिनल उसी तरह की बेलपुरी बनाते हैं, ये थोड़ी चिकनी होती है, मतलब प्रॉपर लिक्विड सिवैया सब कुछ डालते हैं, बहुत फेमस, इतना चलती है बेलपुरी, इतनी चलती है, मतलब खट्टा। अच्छा इस बेलपुरी के साथ एक और चीज़ फेमस है, यानी आप बेलपुरी खा रहे हो साथ में आपको खट्टा वाला शरबत चाहिए। अच्छा, यानी कि एक शरबत का गिलास होता है ऑरेंज टाइप का, वो आपको साथ साथ पीना होता है, मतलब वो भी उसकी के साथ की अच्छा, एक वो एक सॉफ्ट ड्रिंक टाइप उसी के साथ की एक चीज़ है, एक बड़ा मतलब है कि एक इस तरह की एक चीज़ है। अच्छा मुंबई में स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो कदम कदम पे दिख रहा था, बहुत है बहुत है बहुत ज्यादा, रोड्स वगैरह बड़े साफ सुथरे दिख रहे हैं। आपने देखा छत्रपति अच्छा, शिवाजी महाराज जो हाँ, आया था, तो मैंने देखा वो गाड़ी जब टर्न कर रहे थे, आप देखते एक एक जगह नफीस हो रही, साफ सुथरी, बिल्कुल जैसे अभी बनकर रेडी हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर हमें कमेंट भी आते रहते हैं, सफाई और डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन एक इशू है ट्रैफिक का, ट्रैफिक का एक इशू, आप लोग भी बताते हो और हमें भी आइडिया हुआ। इनके यूट्यूबर की किसी यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रही थी, काफ़ी तकरीबन 8-8 महीने पहले शायद देख रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं 6-7 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, बताएं और आप लोग मुझे गुस्सा करते हो कि आप ऐसे कहते हो मुंबई को, ऐसे कहते हो, तो भाई जो मैं फेस करता हूँ वो कहता हूँ, वो बड़े मतलब अपनी लैंग्वेज में से शुरू थे। अच्छा कोई एक स्ट्रीट फूड आपको मिलगा खाने के लिए, नाम बता दें आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, मतलब आपको एक खाना पड़े तो आप कौन सा लेंगे, एक बस एक 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 सिर्फ एक बड़ा।
वड़ा पाव तो मतलब लुक लाइक बर्गर ना, वड़ा पाव जो मेरे में आपके दांत के नीचे आ जाएगा खत्म जाया हो जाएगा वो अभी बन और कीमा बड़े मजे का लग रहा था देख के मेरा जी कर रहा था आ जाए। अच्छा इतनी चालाक है ये कि बंद और कीमा से पेट भी भरे और टेस्ट भी आ जाए, टेस्ट भी आए, मतलब दूसरी चीज़ें तो खाली मैं करूँ चखने के लिए मिलेंगी नहीं, पेट नहीं भरेगा आपका। भेलपुरी भी बहुत थोड़ी सी थी, भेलपुरी भी थोड़ी सी थी लेकिन अच्छा, दो जगह ट्राई किए उन्होंने। हाँ एक एक प्लेट वाली थी और एक वो एक चिप्स के साथ भी होती, एक कौन टाइप की थी हाँ कागज़ के अंदर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही यकीन करें जब वीडियो देख रहे थे तो मुंह में पानी आ गया बिल्कुल। और इनका बताने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल अच्छा, और भी इनके साथ एक दो लोग थे, एक तो बहुत बड़े शेफ और उन्होंने भी इनके साथ वीडियो भी बनी है इनकी, क्योंकि इन्होंने कोलैबोरेशन होता है कि आप मैंने आपके साथ वीडियो बनाई है जैसे आप मेरे साथ वीडियो बनाओगे, तो इन्होंने उनकी वीडियो में जापानी फूड बनाई है इनकी मदद से, लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं उनकी, आभारी हूँ। और कार में भी जब कह रही थी, जब कार में जा रहे थे कि इनको बड़ी नॉलेज है, इनको हर चीज़ के बारे में बड़ा पता है, बारे में बता रहे थे ना कि ये यहाँ है इसकी हिस्ट्री के हवाले के बारे में, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी मुँह में पानी, अब बड़ी मुश्किलों से इस वीडियो को एंड किया है, इनसे हो नहीं पा रहा, ये कह रही मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे फौरन चाहिए, उसके बगैर मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं इस वीडियो को बाद में करवा लूंगी। मैं एक बात बताऊं, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन जब ऐसी वीडियो आ जाती है ना फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, मतलब मेरे अंदर का बीस्ट जाग जाता तो है। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा है कि वीडियो भूल जाएंगे, जो वीडियो में देखा है उस पर बात कर लेते हैं, नहीं पहले मुझे कुछ चाहिए, पहले मुझे कुछ चाहिए, अब क्या करें, अब चलो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कराया, अब दोबारा जाते हैं कुछ ढूंढते हैं, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।